हेलो बच्चों, वेलकम टू द आवर चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के बुक फर्स्ट फ्लाइट का फिफ्थ चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट टू। बेसिकली ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट वन और पार्ट टू। हमने इस चैप्टर के पार्ट वन को पहले वीडियो में ही कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं एलिना एस्टर, वो बताती हैं कि वांडा तो ड्रेस कंपटीशन जीत चुकी है, लेकिन वह उस दिन भी स्कूल नहीं आई थी। वांडा की जो क्लास टीचर है मिस मेसन और बच्चे वांडा के बारे में थोड़ी देर तक बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और मिसेस मेसन उन्हें पढ़ाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस से मिसेस मेसन को एक लेटर आता है और उनसे कहा जाता है कि ये जो लेटर है वांडा के पिता जैन पेट्रोनेस की द्वारा इस लेटर को भेजा गया है। मिस मेसन इस लेटर को क्लास में ही पढ़ती हैं और सारे बच्चों को यह लेटर पढ़कर सुनाती हैं। इस लेटर पर लिखा गया था कि वांडा अब कभी भी स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और हम इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पर वह किसी दूसरे स्कूल में पढ़ेगी और उस स्कूल में वांडा का मजाक कोई भी नहीं उड़ाएगा। इस लेटर को सुनने के बाद सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं, जैसे कि पेगी और मेडलिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और मिसेस मेसन जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन मिसेस मेसन बच्चों से पूछती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। लेकिन इस लेटर को सुनने के बाद सबसे ज़्यादा दुखी मेडलिन हो जाती है, क्योंकि मेडलिन उसकी सारी परिस्थितियों को समझती थी। भले ही पेगी उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन पेगी उसकी परिस्थितियों को समझती नहीं थी। लेकिन मेडलिन जो है उसकी सारी परिस्थितियों को समझती थी, क्योंकि वह भी एक गरीब लड़की थी। इसीलिए उसने फैसला लिया कि वह वांडा से मिलने के लिए उसके घर बोगिंग हाइट्स जाएगी, क्योंकि वह उसे आखिरी बार मिलना चाहती है और उससे माफ़ी भी मांगना चाहती है। और जब स्कूल के क्लासेस ख़त्म हुए तो मेडलिन ने सोचा कि वह अपने साथ पेगी को भी ले ले वांडा के घर जाने के लिए। लेकिन मेडलिन जब ये बात पेगी को बोलने वाली थी, उससे पहले ही पेगी ने उससे आकर कहा कि हमें वांडा के घर जाना चाहिए उससे माफ़ी मांगने के लिए। एलिना एस्टर बताती हैं कि इसे पता चलता है कि पेगी भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और जब मेडलिन और पेगी वांडा के घर बोगिंग हाइट्स पहुँचे तो उन्हें उसके घर को देख कर उसके ड्रेस की याद आ गई, क्योंकि ये घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। जिस तरह वांडा अपने ड्रेस को हमेशा क्लीन कर पहनती थी, उसी प्रकार ये घर भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन था और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और जब मेडलिन और पेगी वांडा के घर के यार्ड में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वांडा यहाँ से जा चुकी है। और ये बात सुनकर मेडलिन और पेगी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और वे वहाँ से चली आई। मेडलिन और पेगी वांडा के घर से तो चली आई थी, लेकिन अपने घर आने के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आई। वे रात भर सोचती रही कि उन्हीं के कारण ही वांडा स्कूल छोड़कर चली गई है, इसीलिए वे दोनों और भी ज़्यादा दुखी हो गई। और अगले दिन जब मेडलिन और पेगी स्कूल पहुंची, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे दोनों वांडा को एक लेटर लिखेंगी। इस लेटर में मेडलिन और पेगी ने वांडा से माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने वांडा से पूछा कि तुम्हारी जो नई क्लास टीचर है और तुम्हारा स्कूल कैसा है और तुम कैसी हो। इस लेटर को उन दोनों ने तो लिख लिया, लेकिन उनके पास वांडा का न्यू एड्रेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि इस लेटर को वो उसके पुराने एड्रेस बोगिंग हाइट्स में भेज देंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, इस लेटर को बोगिंग हाइट्स भेज दिया और उन्होंने इस लेटर के ऊपर लिख दिया प्लीज़ सेंड, ताकि जिसे भी ये लेटर मिले वो इस लेटर को वांडा के न्यू एड्रेस में भेज दे और जिससे उनका लेटर वांडा तक पहुंच जाए। और इस लेटर को भेजने के बाद मेडलिन और पेगी को बहुत दिनों तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वे दोनों सोचने लगती हैं कि वांडा उनसे बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वे उनके द्वारा भेजे गए इस लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही है। और अब स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। क्रिसमस की छुट्टियां होने से एक दिन पहले मिस मेसन जब क्लास ले रही थी, तो उसी दौरान मिस मेसन को एक लेटर आता है और उन्हें बताया गया कि ये लेटर जो है
वांडा के द्वारा भेजा गया है। मिस मेसन ने इस लेटर को क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस लेटर पर लिखा था कि मैं ठीक हूँ और मेरी जो क्लास टीचर है वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती जितना मिस मेसन मुझसे करती थी। वांडा इस लेटर में आगे लिखती है कि मैंने जो 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए थे वे सारे बच्चों में बांट दिए जाएं, और जो ब्लू ड्रेस है वो मेडलिन को और जो ग्रीन ड्रेस है वो पेगी को दिया जाए। इस लेटर को सुनने के बाद मिस मेसन और क्लास में जितने बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि वांडा उनसे दुखी नहीं है। लेकिन जब स्कूल की क्लासेस ख़त्म होने के बाद मेडलिन और पेगी अपने अपने घर पहुंची, तो पेगी वांडा की सारी बातें भूल चुकी थी, लेकिन जो मेडलिन थी वो वांडा की बातें अभी तक नहीं भुला सकी, क्योंकि उसे लगता था कि वांडा उसी के कारण स्कूल को छोड़कर गई है, क्योंकि वो उसकी सारी परिस्थितियों को समझती थी। उसके बावजूद भी उसने उसका मजाक उड़ते हुए देखा और उसने किसी के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई। मेडलिन इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसने वांडा के दिए गए ड्रेस को भी नहीं देखा, लेकिन जब उसने इस ड्रेस को देखा तो वह इसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी, क्योंकि वांडा ने उसी की तस्वीर इस ड्रेस पर बनाई थी। मेडलिन इस ड्रेस को लेकर पेगी के घर पहुंची, तो पेगी ने भी बताया कि मेरे पास जो ड्रेस है उसमें मेरी तस्वीर बनाई गई है, और इससे पता चलता है कि वांडा हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और इस स्टोरी के लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे किसी भी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और अगर कोई बच्चा किसी का मजाक उड़ा रहा है तो उसके खिलाफ अपनी वॉइस को रेस भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।